नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी पर्यायवाची की सीरीज़ में। ये सिक्स्थ वीडियो है। इससे पहले मैं पांच वीडियो ला चुका हूँ, पांच पार्ट ला चुका हूँ, ट्रिक वाइज लेकर आ रहा हूँ कहानी के थ्रू। आपको बहुत इजीली ये याद हो जाएंगे और कोई भी ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये एक बार इसको ईयरफोन में लगाइए, कान में, और इसकी कहानी को सुनिए। आपको बहुत ईजीली याद हो जाएंगे और आपके आने वाले जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में उसमें आपके सारे क्वेश्चन ठीक जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला झरना। पहला क्या है? झरना। अब कैसे है ये? उत्स ने निर्झर से कहा, एक व्यक्ति है उत्स, उत्स ने निर्झर से कहा कि मेरे प्रपात का स्रोत प्रसवण में है, मेरे प्रपात का स्रोत प्रसवण में है, कि मेरा जो अंदर का जो स्रोत है वो मेरे प्रसवण में है, प्रसवण में है, कि मेरा जो आप मेरे बारे में जानना चाहते हो मेरा उत्तर मेरे ही सवाल में है। प्रसवण मतलब मेरे प्रसन्न में है। इस तरीके से इसको मानिए कि उत्स ने निर्झर से कहा कि मेरे प्रपात का स्रोत प्रसवण में है, प्रसवण में है, जो प्रसन्न है उसमें ही मेरा उत्तर छिपा हुआ है। तो जो ब्लैक ब्लैक लाइन से जो अंडरलाइन है यही पर्यायवाची हुए झरना के। तो कौन कौन से पर्यायवाची हुए झरना के? उत्स, निर्झर, प्रपात, स्रोत और प्रसवण। उत्स, निर्झर, प्रपात, स्रोत और प्रसवण, ये किसके हुए? झरना के। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है झंडा। नेक्स्ट क्या है? झंडा। अब झंडे का क्या होगा? केतु, केतु होते हैं कि भाई इसकी कुंडली में शनि है, केतु है, तो केतु पताका की कुंडली में है। पताका एक व्यक्ति है, तो केतु पताका की कुंडली में है। तो झंडा के पर्यायवाची क्या क्या हुए? केतु और पताका, केतु और पताका। तो कैसे याद रखना है? झंडा का क्या कहानी है कि केतु पताका की कुंडली में है, कुंडली में है। तो झंडा के पर्यायवाची क्या क्या हुआ? केतु और पताका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है टीका। नेक्स्ट क्या है? टीका। टीका का कैसे बनेगा? भाष्य व्याख्या करता है, भाष्य व्याख्या करता है व्रति और विव्रति की। भाष्य एक व्यक्ति है, वो व्याख्या करता है व्रति और विव्रति की भाषांतरण गृह में। एक होल है तो उसका नाम क्या है? भाषांतरण, जहाँ भाषा वगैरह दिए जाते हैं, जहाँ बात वगैरह की जाती हैं। तो भाष्य एक व्यक्ति है, उसने व्याख्या करी। किसकी व्याख्या करी है? व्रति और विव्रति की। किसकी? व्रति और विव्रति की। किसने व्याख्या करी है? भाष्य ने। कहाँ व्याख्या करी है? भाषांतरण गृह में, जहाँ भाषण वगैरह दिए जाते हैं। तो टीका का क्या क्या पर्यायवाची हुए? भाष्य, व्याख्या, व्रति, विव्रति और भाषांतरण, ये किसके पर्यायवाची हुए? टीका के पर्यायवाची हुए। नेक्स्ट आ है टीस। नेक्स्ट क्या है? टीस। नेक्स्ट क्या है? टीस। तो इसको कैसे बनाएंगे? कसक धातु, एक धातु है जिस जो कसक है, जैसे कॉपर होती है, अनमोल, तो एक प्रकार की धातु है कसक। कसक धातु का हुक, हुक जो होते हैं, कसक धातु का हुक टिस व कष्ट करता है। कसक धातु का हुक टिस व कष्ट करता है। कसक धातु का हुक टिस व कष्ट करता है। तो इसके क्या क्या पर्यायवाची हुए? कसक, हुक, टिस व कष्ट, कि भाई जो हुक जो होते हैं कसक धातु के, वो चुभन करते हैं, टिस करते हैं, कष्ट देते हैं। इस तरीके से आप याद रखिएगा, टिस का क्या होगा? कसक, हुक, टिस व कष्ट। नेक्स्ट है टिमटाम। नेक्स्ट क्या है? टिमटाम। टिमटाम इनकी क्या कहानी है? आडंबर व भ्रामडर समारोह, आडंबर व भ्रामडर समारोह बहुत धूमधाम या टिमटाम से मनाया गया। कहते हैं ना कि भाई ये समारोह बहुत धूमधाम से मनाया गया, तो आडंबर व भ्रामडर समारोह बहुत धूमधाम और टिमटाम से मनाया गया। तो टिमटाम की क्या क्या पर्यायवाची हुई? आडंबर, भ्रामडर समारोह, धूमधाम और टिमटाम, ये किसके हो गए? टिमटाम के। किसके हो गए? टिमटाम के। नेक्स्ट आता है टेक। जो जो ब्लैक ब्लैक लाइन सेंटर लाइन है वही पर्यायवाची है, बाकी सब कहानी है। टेक के क्या है? अवलंब का अवस्थम्ब पर बहुत भरोसा व टेक है। एक व्यक्ति अवलंब, दूसरा व्यक्ति अवमस्थम्ब। सो अवलंब का अवमस्थम्ब पर बहुत भरोसा है या टेक करता है, बहुत भरोसा करता है। अवलंब किस पर? अवस्थम्ब पर। सो टेक के क्या क्या पर्यायवाची हुए? अवलंब, अवस्थम्ब, भरोसा व टेक, भरोसा व टेक। नेक्स्ट है टेढ़ा। नेक्स्ट क्या है? टेढ़ा। अब टेढ़ा के क्या होंगे? यह वक्र जो यह वक्र थोड़ा कुटिल या टेढ़ा है। यह वक्र,
जो ये चक्र है ये थोड़ा कुटिल या टेढ़ा है, टेढ़ा बना हुआ है, पूरा वक्र नहीं, मतलब गोल नहीं है। तो क्या क्या हुए टेढ़ा के पर्यायवाची? वक्र, कुटिल और टेढ़ा, वक्र, कुटिल और टेढ़ा। नेक्स्ट है ठग। नेक्स्ट क्या है? ठग। अब ठग के क्या पर्यायवाची होंगे? अडिमार प्रतारक के साथ। अडिमार एक व्यक्ति है, प्रतारक एक व्यक्ति है। अडिमार प्रतारक के साथ मिलकर ठग कर गया वंचक व प्रवंचक का। देखो दो व्यक्ति थे अडिमार और प्रतारक, अडिमार और प्रतारक दो व्यक्ति थे, उन्होंने वंचक व प्रवंचक के साथ, उन्होंने वंचक व प्रवंचक का ठग कर लिया, उनको ठग लिया। किस किस ने? अडिमार और प्रतारक ने। जो उंगली मार कहानी सुनी थी ना उससे याद रखो, अडिमार व प्रतारक के साथ मिलकर ठग कर गया। किसके साथ? वंचक व प्रवंचक के साथ। किसके साथ? वंचक व प्रवंचक के साथ। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है ठगी। अब ठगी के क्या पर्यायवाची होंगे? तो ठगी के पर्यायवाची हैं वंचना के साथ प्रताड़ना ने ठगी कर ली। वंचना के साथ प्रताड़ना ने ठगी कर ली। तो ठगी के पर्यायवाची होंगे वंचना और प्रताड़ना। वंचना और प्रताड़ना ये किसके होंगे? ठगी के। वंचना के साथ प्रताड़ना ने ठगी कर ली। किसके साथ? प्रताड़ना के साथ। किसने? वंचना ने। ये वंचना के साथ, सॉरी प्रताड़ना ने ठगी कर ली। वंचना के साथ किसने ठगी करी? प्रताड़ना ने। नेक्स्ट वर्ड आता है ठीक। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? ठीक। ठीक, अब ठीक का क्या होता है? चीन, चाइना जो है, तो चीन का समय उचित व ठीक नहीं चल रहा है। चीन का समय उचित व ठीक नहीं चल रहा है आज की तारीख में। तो ठीक के पर्यायवाची क्या होंगे? ठीक का पर्यायवाची है समीचीन। ठीक का क्या पर्यायवाची हुए? समीचीन व उचित और ठीक। समीचीन, उचित और ठीक, ये किसके पर्यायवाची हुए? ठीक के। ये किसके पर्यायवाची हुए? ठीक के। नेक्स्ट वर्ड है डायरी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डायरी। डायरी के क्या होंगे? डायरी के क्या होंगे? डायरी के पर्यायवाची है रोज नामचा। रोज नामचा दैनिक डायरी लिखती है। रोज नामचा एक लड़की है, तो रोज नामचा दैनिक मतलब प्रतिदिन डायरी लिखती है। तो डायरी के पर्यायवाची है रोज नामचा, दैनिक और डायरी। नेक्स्ट वर्ड है डाकू। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डाकू। अब डाकू की क्या कहानी है? डकैत ने साहसिक के लठ मारकर, डकैत ने एक व्यक्ति है साहसिक, डकैत ने साहसी के लठ मारकर 10,000 रुपये छीन लिए। कितने रुपये छीन लिए? 10,000 रुपये। अब यहाँ पे डकैत होगा डाकू का एक पर्यायवाची, एक साहसिक, लठ से याद रखिएगा लुंठक, लठ की जगह है लुंठक। लुंठक मारकर 10,000 के दस्यू रुपये छीन लिए। किसने? डकैत ने साहसिक के लुंठक मारकर दस्यू रुपये छीन लिए। तो लुंठक की जगह में लठ लिखवा दे जिससे वो याद रहे, उस समय लठ लुंठक दिखाई दे रहा है तो लठ मारकर, तो लुंठक मारकर दस्यू रुपये छीन लिए। नेक्स्ट वर्ड है डोरी। नेक्स्ट वर्ड है डोरी। तो डोरी का होगा यह ज्वेलरी डोर से बंधी हुई है। यह ज्वेलरी डोर से बंधी हुई है। तो डोरी का क्या होगा? डोरी के पर्यायवाची है तुम्हारे जेवरी और डोर। जेवरी और डोर, ज्वेलरी से याद रखिए जेवरी और डोर से बंधी हुई है। तो डोरी की ये पर्यायवाची हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ढंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ढंग। अब ढंग की क्या कहानी है? प्रविधि ने पूछा किस पद्धति के लोग इस डब में रहते हैं। एक लड़की है प्रविधि, प्रविधि ने पूछा कि भाई किस पद्धति के लोग, किस तरीके के लोग इस डब में रहते हैं, इस घर में रहते हैं, इस डब में रहते हैं, इस कॉलोनी में रहते हैं। तो ढंग के क्या पर्यायवाची हुए? प्रविधि, पद्धति और ढब। प्रविधि, पद्धति और ढब, ये हो गए ढंग के पर्यायवाची। नेक्स्ट वर्ड है डिठाई। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिठाई। अब डिठाई के क्या है? अभिनय ने बेशर्मी और धृष्टता, बेशर्मी कह दो या धृष्टता कह दो, अभिनय एक लड़का है, अभिनय ने बेशर्मी व धृष्टता की हद पार कर दी डिठाई से लड़ते हुए। डिठाई से लड़ते हुए, भाई एक व्यक्ति है डिठाई, बेचारा बूढ़ा है, उससे अभिनय ने लड़के बिल्कुल बेशर्मी और धृष्टता की हद पार कर दी। तो डिठाई के पर्यायवाची हुए अभिनय, बेशर्मी, धृष्टता और डिठाई। किसके पर्यायवाची हुए? डिठाई के। नेक्स्ट वर्ड है ढीठ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ढीठ। अब ढीठ के क्या होंगे? वहाँ पर अभिनेता, यहाँ पर अविनीत। अविनीत ने बेशर्म की हद पार कर दी। अविनीत ने बेशर्म की हद पार कर दी, प्रगल्लभ व
उद्धत से लड़ते हुए, किससे लड़ते हुए, प्रगल्लभ व उद्धत से लड़ते हुए। किसने हद पार कर दी, अविनीत ने। और डिठाई में किसने पार करी थी, अविनय ने, उसमें किससे लड़ा था, डिठाई से। ढीठ में किससे लड़े ये, प्रगल्लभ व उद्धत से लड़े, कौन लड़ा, अविनीत। नेक्स्ट वर्ड है ढेर, ये ढेर लिखा हुआ है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, ढेर। ढेर का क्या होगा, काशी में पुंज ब्राह्मणों का समूह रहता है या ओघ रहता है, काशी में पुंज ब्राह्मणों का। अब काशी की जगह यहाँ रखना राशि, काशी मैंने इसलिए जिसे याद है, तो यह है क्या इसका ढेर का पर्यायवाची, राशि। तो राशि में पुंज ब्राह्मणों का समूह या ओघ, सो राशि में पुंज ब्राह्मणों का ओघ या समूह रहता है। तो ढेर के क्या पर्यायवाची हुए, राशि, पुंज, ओघ या समूह, ये किसके हुए, ढेर के हुए। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है ढोंगी, नेक्स्ट क्या है, ढोंगी। अब ढोंगी की क्या कहानी है, बगुला रंग सियार के सामने ढोंग करने लगा, बगुला, अब बगुला से याद रखिए, बगुला भगत, सो बगुला रंग सियार के सामने ढोंग करने लगा। तो ढोंगी के क्या क्या पर्यायवाची हुए, ढोंगी के पर्यायवाची हुए बगुला भगत और रंग सियार एंड ढोंग, बगुला भगत, रंग सियार और ढोंग, ये किसके पर्यायवाची हुए, ढोंगी की। नेक्स्ट वर्ड है तलवार, नेक्स्ट वर्ड क्या है, तलवार। अब तलवार का बहुत अच्छा है, शमशेर बहादुर ने एक खंड की जंग में, एक जंग का नाम था खंड, शमशेर बहादुर ने खंड की जंग में 80 लोगों के साथ मिलकर चंद्रहास करवाल के, देखो शमशेर बहादुर ने खंड की जंग में 80 लोगों के साथ मिलकर चंद्रहास करवाल के खंड में, खंड को कृपाण से अलग कर दिया, चंद्रहास करवाल के खंड को कृपाण से अलग कर दिया, किसने, शमशेर बहादुर ने, खंडक, खंड की जंग में 80 की जगह याद रखना 80 लोगों के साथ मिलकर चंद्रहास करवाल के खंड से याद रखना खडग को कृपाण से अलग कर दिया, खडग को कृपाण से अलग कर दिया। तो तलवार के क्या क्या पर्यायवाची हुए, तलवार के पर्यायवाची हुए आपके शमशेर, खंडक, असी, चंद्रहास कृपाल करवाल, खंडक और कृपाण, ये किसके पर्यायवाची हुए, तलवार के। एक बार और सुनिए, तलवार के क्या क्या पर्यायवाची हुए, शमशेर, खंडक, असी, चंद्रहास, करवाल, खंडक और कृपाण, ये किसके हो गए, तलवार के। नेक्स्ट वर्ड है तरुणी, तरुणी की क्या कहानी है, रमणी भाई की प्रमदा युवती से, रमणी जो गुजराती, जो रमणी भाई की प्रमदा युवती से मनोज्ञा बैंकेट हॉल में शादी हुई, बैंकेट हॉल का नाम क्या है, मनोज्ञा, लड़की का नाम क्या है, प्रमदा। तो तरुणी के क्या क्या पर्यायवाची हुए, रमणी, प्रमदा, युवती और मनोज्ञा, रमणी, प्रमदा, युवती और मनोज्ञा, ये किसके पर्यायवाची हुए, तरुणी के, बैंकेट हॉल का नाम क्या है, मनोज्ञा। शादी किससे हुई है, युवती से, प्रमदा से, किसकी हुई है, रमणी भाई की। नेक्स्ट वर्ड है तालाब, नेक्स्ट क्या वर्ड है, तालाब। अब तालाब की क्या कहानी है, कि देखो याद है ना कसाब आया था 2007 में, जब उसने क्या कहते हैं मुंबई अटैक में, तो इसकी कहानी ये है, कसाब जलाशय या सरोवर के सहारे, जब वो समुद्र के सहारे आए थे, तो कसाब जलाशय व सरोवर के सहारे से पुष्कर ताल, जब वो एक बोट पर बैठ कर आए थे, तो यहाँ पर उस बोट का नाम पुष्कर ताल पर बैठ कर पोखरान, राजस्थान के पोखरान पहुँच गया, ऐसे याद रखिए, कसाब जलाशय या सरोवर के सहारे पुष्कर ताल पर बैठकर पोखरान पहुंच गया, वहां पर सरसी सर, एक सर थे जिनका नाम है सरसी, वहां पर सरसी सर तड़ाग व हिरद ऑफिसर, एक तो सरसी सर थे, एक साउथ से ऑफिसर थे जिनका नाम था हिरद, एक तड़ाग जो नॉर्थ के थे, तो सरसी सर तड़ाग व हिरद ऑफिसर्स के साथ उसके देह में छेद कर दिए। जब कसाब का पता चला कि भाई पोखरण आ गया है, सो सरसी सर तड़ाग व हिरद ऑफिसर के साथ उस पर गोली चलाई और उसके देह, उसके शरीर में छेद कर दिए कसाब के। तो तालाब के क्या क्या पर्यायवाची हुए, तालाब का पर्यायवाची हुए आपके कसाब से याद रखिएगा, कसाब की जगह है कसार, कसाब की जगह क्या आएगा, कसार।
तो तालाब के क्या क्या पर्यायवाची हुए? तालाब के पर्यायवाची हुए कासार, जलाशय, सरोवर, पुष्कर ताल और पोखरान। से याद रखिएगा पोखर, पोखरान नहीं है पोखर, वो कहानी के लिए लिखवाया पोखरान। पोखरान की जगह क्या आएगा? पोखर पहुंच गया। वहाँ सरसी, क्या पर्यायवाची है तालाब का? सरसी सर, सरसी सर तड़ाग वह रद, सरसी सर तड़ाग वह रद। ऑफिसर्स के साथ उसके देह, देह से याद रखना देह और छेद से याद रखना छद, छेद से छद। तो तालाब के पर्यायवाची क्या क्या हुए? कासार, जलाशय, सरोवर, पुष्कर ताल, पोखर, सरसी सर, तड़ाग, हृद, दह और छद। दह और छद, छेद से छद, देह से देह, कसाब से कासार, पोखरान से पोखर, सर से सरसी सर, तड़ाग और हृद। ऑफिसर के साथ किस पर बैठकर आया था? पुष्कर ताल पर बैठकर। कौन आया था? कसाब। पोचच कहाँ था? पोखरान। ये किसके पर्यायवाची हो गए? तालाब के। उसके शरीर मतलब देह, देह में छेद कर दिए तो देह में छद कर दिए। नेक्स्ट वर्ड है तम। नेक्स्ट वर्ड क्या है? तम। अब तम का क्या होगा? तमस, तमिश्रा से अंधेरे या अंधेरा में टकरा गया। तमस तमिश्रा, एक लड़का है तमस, वो तमिश्रा से, एक लड़की से अंधेरे में टकरा गया, जहाँ ध्वांत और तिमिर के साथ था। जब ये तमस तमिश्रा से टकराया तो वहाँ पे पहले से ही मौजूद थे कौन कौन? ध्वांत और तिमिर, ध्वांत और तिमिर। तो तम के पर्यायवाची क्या क्या हुए? तमस, तमिश्रा, अंधेरे, ध्वांत और तिमिर। तमस, तमिश्रा, अंधेरे, ध्वांत और तिमिर। नेक्स्ट वर्ड है तटस्थ। लास्ट वर्ड है आज का तटस्थ। सो निर्लिप्त लोग, जो लोग होते हैं ना निर्लिप्त, जो किसी से नहीं होते, निर्लिप्त लोग हमेशा निष्पक्ष व बेलाग रहते हैं, उदासीन लोगों के साथ भी। जो निर्लिप्त लोग होते हैं जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं होता, सो निर्लिप्त लोग हमेशा निष्पक्ष व बेलाग रहते हैं, उदासीन लोगों के साथ भी। कैसे लोगों के साथ भी? उदासीन लोगों के साथ भी। सो तटस्थ के क्या क्या पर्यायवाची हुए? तटस्थ के पर्यायवाची हो गया निर्लिप्त, निष्पक्ष, बेलाग और उदासीन। क्या क्या हुए? निर्लिप्त, निष्पक्ष, बेलाग और उदासीन। ये किसके हुए? तटस्थ के पर्यायवाची हुए। क्या हुए? निर्लिप्त लोग हमेशा निष्पक्ष व बेलाग रहते हैं, उदासीन लोगों के साथ भी। तो निर्लिप्त, निष्पक्ष, बेलाग और उदासीन, ये किसके हो गए? तटस्थ के। आज के लिए इतना ही। आप इसको रिवाइज कीजिए, देखिए एक बार वीडियो, देखिए दोबारा वीडियो, देखिए 2x की स्पीड पर आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। और इसकी PDF मैं टेलीग्राम लिंक पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ जाइए टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिएगा। अपने माता पिता का ध्यान रखें, ठंड हो रही है उनकी सेवा करें, दूध काढ़ा चाय सब चीज़ को उनका ध्यान रखें, उनके हाथ पैर दबाएं, उनकी पूजा करें। उनसे बड़ा कोई धरती पर परमात्मा कोई नहीं है, माता पिता से बड़ा। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।